चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। वो बोलते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट दिया हुआ है, ओके ए पार्ट पे चलते हैं। वो बोलते हैं 60 पावर 15 डिवाइड बाय 60 पावर 7। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास कि आपके पास 60 पावर 15 डिवाइड बाय 60 पावर 7 हो जाएगा। जब आपके पास ए की पावर एन डिवाइड बाय ए की पावर एन होता है तो ये हो जाता है ए की पावर एन माइनस एन, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो बनेगा 60 पावर 15 माइनस 7 60 पावर 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक्स हो जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 8। बी पार्ट भी करते हैं 2/5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2/5 की पावर 5। बेस सेम है, पावर डिवीजन में है तो ये आपका ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 2/5 की पावर 3 माइनस 5 2/5 की पावर 3 माइनस 5 विल बी माइनस का 2। ऊपर माइनस में डिनोमिनेटर में ले जाओ प्लस का हो जाएगा 1/2/5 की पावर + 2। ये बात ध्यान रखना कई बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है, अगर आपकी पावर न्यूमरेटर में माइनस में है तो अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और सेम अगर डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। सी पार्ट में चलते हैं, सी पार्ट होता है -3/8 की पावर 5 डिवाइड बाय -3/8 की पावर 7 -3/8 की पावर 5 - 7 -3/8 की पावर -2। अब देखो पावर क्या है, माइनस में है, न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में ले जाओ इसको 1/-3/8 की पावर + 2 हो जाएगा ये। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये हमारा ये फाइनल आंसर है, ये हमारा ये आंसर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5।